नमस्कार, खास खबर हम आपको बता दें। जहां कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दवा के लिए मरीजों के लिए दवा देनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो है बाटल लगाई जाती है। यह केसली विकास खंड का नन्नी देवरी के डॉक्टर हैं, जो इलाज तो करते हैं लेकिन कोरोना गाइडलाइन की किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखते हैं। और ये जो हैं अपने नियम पढ़ रहे होते हैं और ये कहते हैं कि इनकी मनमर्जी से चलती है मरीजों का इलाज। यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं तुम तक न्यूज के माध्यम से। जब तुम तक न्यूज ने इन डॉक्टरों के बीच में जाके देखा है तो इन्होंने कोरोना गाइडलाइन में जो है लोगों को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इंजेक्शन के साथ में बाटल भी लगा देते हैं। और मरीज की हालत जो हो तो ठीक है, लेकिन इनके लिए बाटल जो है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बाटल की रेट जो है अधिक होती है। और जो भी मरीज आते हैं उनकी दवा के रूप में पहले बाटल लगाई जाती है, फिर उसके बाद उनके लिए पैसा भी ऐंठा जाता है, क्योंकि बाटलों का रेट अधिक होता है जिससे डॉक्टरों का जेब भी गर्म होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बता दें कि कहीं ना कहीं लोगों को गाइडलाइन का ध्यान नहीं है। जब वैक्सीन लगती है वैक्सीन के बाद बाटल नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर जो इलाज करते हों बाटलें टांग के रखते हैं। और ये मरीजों की कंडीशन क्या है आप देखिए तुम तक न्यूज पर। ये कोरोना की वैक्सीन की बात आई है जहां डॉक्टर विश्वास मौजूद है, हम कहते हैं डॉक्टर साहब कोरोना की वैक्सीन कितनी वैक्सीन लग गई आपको? एक वैक्सीन अभी इनको लगाई है, दूसरा डोज भी होना है, यहाँ दूसरा डोज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने बाटल लगा दिया, क्या है? कमजोरी कारण से हो रहा है, कमजोरी है इस कारण से। दूसरी बाटल भी नहीं लगी सर, वैक्सीन नहीं लगी सर। और कमजोरी है ना इस कारण से। सरकार की गाइडलाइन है कि अभी किसी प्रकार से बाटल नहीं देना चाहिए, इसमें अगर दूसरी वैक्सीन नहीं लगी तब तक कोई नहीं देना चाहिए। कमजोरी जब ज्यादा आ जाता तो देना पड़ता कभी कभी, ये तो सरकार की गाइडलाइन है, डॉक्टरों की सलाह है। इसके बाद आप बाटल देगा सर, कई लोगों को इस बाटल के चलते हमने देखा है कि कई लोगों की जान भी चली गई, कंप्लीट नहीं हो पाया डोज वैक्सीन को और आपने बाटल दे दी सर। ये बात हम बता दें आपको, एक ही वैक्सीन अभी इस बच्ची को लगी है। जहां वैक्सीन की बात की जाती है, वैक्सीन के दो डोज जो है लोगों को लगने चाहिए, इस बीच में ऐसी जानकारी मिली है कि ना तो इंजेक्शन कोई लगाए और ना ही किसी प्रकार से बाटल, सिर्फ गोलियों में ही कंप्लीट पैरासीटामॉल गोली बताई गई है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये बाटल लगा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, नन्नी देवरी में जो विश्वास डॉक्टर हैं उन्हें आखिर क्यों बाटल लगाई है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मरीज को नहीं है पता कि इसका क्या बाद में अंजाम होगा, लेकिन डॉक्टर और मरीज के बीच का ये मामला है। हम बताते हैं आपको तुम तक न्यूज पर यह विशेष खबर।